गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए तीसरे दिन भी नामांकन पत्र का कार्य कड़ी सुरक्षा के बीच आयुक्त न्यायालय में जारी रहा, जिसके संबंध में अपर आयुक्त न्यायिक रतिबान ने बताया कि शनिवार को दो प्रत्याशियों को निःशुल्क नामांकन पत्र लिया है। उन्होंने बताया कि 12 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त न्यायिक रतिबान ने कहा, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी होता है वो आता है और उसके बाद उसको निःशुल्क दिया जाता है, तो बिकता नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज तक की स्थिति में कुछ 16 लोग जो है नामांकन नाम निर्देशन पत्र ले गए इस कार्यालय से। कब तक ये चलेगा? ये तो आपको पहले भी बताया जा चुका, 12 तारीख तक है। हाँ, तो आपके पास होगा, ये चीज़ को दे दिया गया आपसे। जब तो फाइल लेके बैठूँ, ऐसा नहीं है कि मान लो हमारे मुँह से स्लिप हो जाए, तो ये चीज़ ऐसे नहीं होती। जो चीज़ ऑलरेडी दिया जा चुका उसी को आप रिपीट कर दीजिए, ठीक है ना।